पूसावादा विर्मनि सिखापदं स्मादयामि पूसावादा विर्मनि सिखापदं स्मादयामि। मेरा मोबाइल घनघनाया, मैंने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, हेलो सर, हम आपको दिल्ली देना चाहते हैं, दिल्ली की जिम्मेदारी देना चाहते हैं। मैंने कहा भाई कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम फलाने फलाने नेता के भाव से बोल रहे हैं और आपका बड़ा नाम है, बड़ा अच्छा आप वीडियो बनाते हैं, बड़ा अच्छा आप बोलते हैं, लोगों को बड़ा पसंद आता है, तो हम बड़े प्रसन्न हुए और ये मीटिंग में हुआ कि आपको दिल्ली की जिम्मेदारी दी जाए। मैंने कहा भाई किस चीज़ की जिम्मेदारी देना चाहते हो और क्यों देना चाहते हो? उन्होंने कहा जी एक संगठन है और उसमें हम आपको दिल्ली देना चाहते हैं। भाई दिल्ली आपने खरीद ली है, रजिस्ट्री करा ली है, कैसे दिल्ली देना चाहते हो, कैसे दिल्ली की जिम्मेदारी देना चाहते हो, क्या है? कह रहे कुछ नहीं, आप दिल्ली में काम करेंगे, क्या काम करवाना चाहते हो? लोगों से हमारे संगठन की तारीफ करेंगे, हमारे संगठन के बारे में बताएंगे और आप दिल्ली के प्रमुख हो गए और लोगों से चंदा लेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, हमारे पास भेजेंगे, मीटिंग लगाएंगे, सभा लगाएंगे, तो इससे होगा क्या? मैंने उससे पूछा। अब वो थोड़ा खामोश हुआ, सीरियस हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि वो मुझे दिल्ली का प्रधान, दिल्ली का प्रमुख और दिल्ली का सब कुछ बनाने के बाद में, क्योंकि लोगों की किसी ने मना नहीं किया होगा, किसी ने पूछा नहीं होगा, लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें ये बना दिया। दरअसल बनने के लिए बड़े उतावले हैं, कोई प्रधान बना दे, कोई सचिव बना दे, कोई सेक्रेटरी बना दे, कोई कुछ बना दे, मतलब हम खुद नहीं बनना चाहते मेहनत से, बस कोई हमें बना दे। भाई कोई हमें बना दो, बड़ी इच्छा है हमारी, हम तो बने नहीं। अरे मूर्ख बना रहा है तुम्हें, बेवकूफ बना रहा है, जानता है तुम्हारी शिक्षा को कि तुम्हें कुछ बनना है, तो तुम्हें फोन उठा के सीधे ही बना देता है और तुम्हारी बुद्धि बंद हो जाती है, तुम उसे एक भी पसंद नहीं करते हो। अरे क्या बना रहा है, क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, और तेरे पास है क्या देने के लिए, अधिकार क्या है, कैसे दे देगा? तू मेरे को दिल्ली दे रहा है, तुझे किसने अधिकार दिया दिल्ली देने का? क्या कोई चुनाव कराया, क्या कोई संगठन का कुछ स्ट्रक्चर बनाया, क्या कहीं अकाउंटेंसी है, कहीं कुछ लेन देन का हिसाब रखता है, क्या कोई पॉलिसी है, क्या कोई संविधान बनाया, क्या वर्क करना चाहता है, धर्म का वर्क करना चाहता है, सोशल वर्क करना चाहता है, इकोनॉमिक वर्क करना चाहता है, पॉलिटिकल वर्क करना चाहता है, या एवं ही कुछ वैसे ही, या खुद तेरी बनने की इच्छा है इसलिए दूसरों को बना रहा है? बड़े अजीब से तमाशे होते हैं फोन पे, सीधा ही आदमी उठा के दिल्ली दे देता है, ये लो दिल्ली आपकी है, कहाँ रखूँ इसको दिल्ली को, छोटा सा तो घर है, वो पूरी पूरी दिल्ली उसने दे दी। कोई साधारण आदमी होता तो रात भर सोता नहीं, पूरे रिश्तेदारों को फेसबुक पे लगा लगा के और होर्डिंग लगा लगा कहता कि दिल्ली अब मेरी और मेरे बाप की और अब मैं दिल्ली का प्रधान। यहाँ पूरी दिल्ली में आधे लोग तो दिल्ली के मालिक पहले से ही हैं, मेरे को और दिल्ली का मालिक बना रहा है। मैंने कहा तेरी बुद्धि कहाँ है, तू कहाँ स्टैंड करता है, कहाँ नहीं करता है, जरा सोच। हर एक बंदे को फोन उठा के कहता है कि मैंने तेरे को ये बना दिया, मैंने तेरे को ये बना दिया, मैंने तेरे को ये बना दिया। अरे सीधा सीधा कहना कि मैंने तेरे को मूर्ख बना दिया, तू मेरे को पैसे इकट्ठे करके दे, तू मेरी मीटिंग करा, सभा करा, मेरा गुणगान कर। चल तेरा गुणगान मैं कर सकता हूँ, तेरे लिए पैसे भी इकट्ठे कर सकता हूँ, मगर तू है क्या, तेरी उपलब्धि क्या है, तेरा स्ट्रक्चर क्या है, तेरी योजना क्या है, तेरा प्लान क्या है, और तू सब लोगों को साथ लेके चलेगा कैसे, या अकेला ही दौड़ेगा, या अकेले ही दौड़ेगी? ये प्रश्न पूछने चाहिए जब कभी आपको कोई बनाए, दरअसल वो आपको बना रहा है। हम आम बोलचाल में कहते हैं ये मुझे बना के चला गया, हम पूरा नहीं बोलते क्योंकि हमको झिझक होती है, हमको शर्म आती है, अरे हमको मूर्ख बना के चला गया, तो हम मूर्ख वाला जो शब्द है वो छुपा जाते हैं, कहते हैं ये हमको बना के चला गया, इसने हमको बना दिया। अरे क्या बना दिया, जरा खुल के कहो ना, मूर्ख बना दिया। कोई आदमी सीधे सीधे फोन पर मार्केटिंग चल रही है, टैली मार्केटिंग चल रही है संगठनों की, अरे तू मेरे को दिल्ली दे रहा है, तू मेरे बारे में जान तो सही, पहचान तो सही कि मैं कौन हूँ, दिल्ली तेरी लेके ना भाग जाऊँ कहीं, मैं कहीं तू देखता रह जाए, तेरी दिल्ली तेरे हाथ से निकल जाए। तो इस तरह के फ़ोन आते हैं, इस तरह की बातें होती हैं, थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ सब सबको बनाने में लगे हुए हैं और सब ने रजिस्ट्री करा रखी है पूरे देश की, वो सब बांटते घूम रहे हैं। तू उत्तर प्रदेश ले ले, तू दिल्ली ले ले, तू तमिलनाडु ले ले, तेरे को ये जिला दे दिया, तेरे को ये जिला दे दिया, तेरे को ये जिला दे दिया, और जाके करो प्रचार। वो खुशी के मारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे रिश्तेदारों को अब गाड़ी के पीछे, गाड़ी के आगे दुनिया भर में लगा लगा घूमता है, अब मैं इसका मालिक हो गया। और परिणाम
ढाक के तीन पात टाए टाए फिस, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, कोई वेलफेयर नहीं होने वाला। पहले अपने आप को देखो, पहले अपने आप को समझो, अपनी योजनाएं बनाओ, अपना स्ट्रक्चर देखो, अपना फंड देखो, अपना प्रशिक्षण देखो, लोगों को आपने क्या बताया वो देखो, और लोगों से मिलो। इतने सारे संगठन हैं, उन सब से मिलो। ये 500 संगठन 500 आदमी दिल्ली को दे देंगे तो दिल्ली जाएगी कहाँ? बेचारी दिल्ली तो घबरा के वैसे ही मर जाएगी। इसलिए थोड़ा सा सोचो, जब कोई आपको बनाए, क्या बनाए? मूर्ख बनाए। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदल कर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Sangam Sirunam.